हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए, कि आपके पर्सन क्या फील करें ये जानने की कोशिश करते हैं। तो रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, तो कीप एन ओपन माइंड वो चीज़ है। और सबसे बड़ी चीज़ कि ये जो भी रीडिंग मैं करती हूँ, मेरा इंटेंशन इनडायरेक्टली से और थोड़े से लेवल से आपकी हीलिंग है, और वो मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं कि आपका पॉजिटिव रहना, तो वो चीज़ बहुत मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। लेट्स सी कि एनर्जी क्या चल रही है। फोर्टी टू नंबर वुमन होल्डिंग अ कॉइन, ओके, द सन, हीलर्स ऑफ द एजेस, द वर्ल्ड। वाव। 29 नंबर 21 स्ट्रेटजी और पर्सनल डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, फोर्थ चक्र आर्कएंजल रैफल, ओके। तो काफ़ी हद तक ये जो रीडिंग है ना, बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैंने क्या बात की थी आपकी हीलिंग, दो बार हीलिंग के वर्ड्स आए हैं, तो डेफिनेटली जो चल रहा है ना उनके लाइफ में, वो हीलिंग प्रोसेस से रिलेटेड है। उनके लाइफ में जो भी कार्मिक सिचुएशंस है जिनको वो फेस कर रहे हैं या फेस कर सकते हैं, वो बेसिकली है कि वो कर्मा साइकिल का एंडिंग है। एक लाइफ का एक कर्मा साइकिल पैटर्न है जो उनके लाइफ में चेंज होना, बदलना, ख़त्म होना बहुत ज़रूरी था, उस प्रोसेस से वो गुजर रहे हैं डेफिनेटली। और ये जो अंधेरा है ना, ये अंधेरा है, उसके बाद ये आने वाला है। तो ही और शी इज़ रेडी और गेटिंग प्रिपेयर्ड, एक्शन के लिए उनका प्रिपरेशन चल रहा है लिटरली, क्योंकि अभी उनका जो सोल है ना, वो काफ़ी हद तक ऐसे डायरेक्शन में जा रहा है जहाँ पे सोल हैप्पीनेस या एक्शन लेने के बारे में, क्योंकि वो अपने बारे में सोच रहा है, अपनी खुशी के बारे में, सोल के बारे में। इट्स नॉट अबाउट सेल्फिश, हो सकता है कि उनका हो सेल्फिश मोटिव हो, लेकिन डायरेक्शन कहाँ पे, सोल सेल्फिशनेस के ऊपर, कि मेरा सोल क्या चाहता है, मेरी खुशी क्या। क्योंकि ऐसा लगता है कि अभी तक रिश्तों की वजह से, जिम्मेदारी की वजह से, किसी के इन्फ्लुएंस की वजह से अपनी सोच, अपनी पसंद जैसे मार के रखी थी। अभी ऐसा लगता है कि अपनी खुशियाँ, फिर वो कैसे भी हो, अपने आप पर खर्चा करना हो या अपनी खुशी हो, स्पेशली जो रिश्ते में खुशी, तो वहाँ पे उनका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। वो हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं, अभी इनडायरेक्टली से हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं, कि पॉसिबल है कि वो कोई हीलिंग प्रोसेस या स्पिरिचुअल वे से मंदिर मस्जिद चर्च कहीं पे जाते हो, जहाँ पे इनडायरेक्टली से उनकी हीलिंग हो रही है, प्रेयर्स में, अपनी माफ़ी में, सब कुछ हीलिंग हो रही हो। और नहीं है तभी भी उनके सामने ऐसा कुछ आता हो, या दिल से ऐसा कुछ सोचना कि नहीं मैंने कुछ गलत किया है, मैंने कुछ सही नहीं किया है, जो हुआ है वो होना नहीं चाहिए था, वो तकलीफ से नहीं, उसे एक माफ़ी की तरह अगर लेते हैं, तो डेफिनेटली एक हीलिंग प्रोसेस से वो गुजर। मुझे ये पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि इनका ना कॉल मैसेज कल परसों तक आ ही सकता है, अगर नहीं है तो भी, और इनका आना तो डेफिनेटली बनता है, खास करके स्पेशली आपसे माफ़ी मांगने के लिए, आपसे बात करने के लिए कि कुछ है जो अधूरा पूरा करना है वाली चीज़ है। खास करके आपके साथ जो एक गलत किया, भले जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग, गुस्सा दोनों तरफ से, बट ये चाहते हैं कि वो चीज़, माना कि इनकी माफ़ी बहुत बड़ी बात होगी कि ये सीधे मुंह से बोले नहीं कि माफ़ करो, सॉरी वगैरह, बट ऐसा एक जेस्चर होगा इनकी फीलिंग्स, इनकी बिहेवियर में, कि जहाँ पे आपको फील होगा कि यस, ये पर्सन, ये जो बंदा है या बंदी है, माफ़ी मांगना चाहते हैं। ये काफ़ी हद तक ऐसा ना प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है, या इनके अगेंस्ट कुछ चल रहा था वो ख़त्म होने वाला है। मुझे ये भी लग रहा है कि ये जो उनके ऊपर है ना, कोई नेगेटिव एनर्जी थी, नेगेटिव इन्फ्लुएंस था, कोई कंट्रोल जो चीज़ थी ना, उसका असर समाव ऐसा लगा कि जो नेगेटिव एनर्जी ना, उसका असर अपने आप, एक टाइम होता है ना वो कोई चीज़ का,
तो वो चीज़ निकल रही है। खास करके ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा है कि कुछ टाइमिंग होती है, डिवाइन टाइम, जिसकी वजह से कोई निगेटिव चीज़ का असर ही ख़त्म हो जाता है। तो वो चीज़ मुझे काफ़ी हद तक स्ट्रांगली फील हो रही है। ये अपनी खुशियाँ, अपनी हीलिंग, हर चीज़ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट है। तो वो चीज़ मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लग रही है कि इनका एक्शन, इनका मूवमेंट आपकी तरफ ज़रूर होगा। एक ऐसी एनर्जी है ना, जहाँ पे उनका ना दिल आपके लिए खुल रहा है, जो ब्लॉकेजेस है ना वो मिट रहे हैं। अगर अभी का अभी नहीं हुआ, लेकिन उसकी प्रोसेस तो स्टार्ट हुई है। लिटरली उनके जो हार्ट की जो क्लोज ऑफ करके रखा था, मुझे काफ़ी हद तक लग रहा है ना कि आज या कल तक ना उनकी हार्ट ब्लॉक सिचुएशन, लाइक हार्ट ब्लॉक सिचुएशन इन द सेंस कि आपको ब्लॉक करके रखा हो या आपसे सीधे मुंह से बात नहीं करो, खास करके दिल की बात नहीं करो, तो वो होने के चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है। समझो मुझे ये वाइब्स बहुत आ रही है। यस, और द सन आया मतलब लाइक ख़त्म, कोई भी चीज़ का निगेटिव का होने का चांस ही नहीं है। जस्टिस जजमेंट, क्या बात है। मैंने कहा ना कि ये माफ़ी मांगने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। जस्टिस एंड जजमेंट, जे जे, उनकी बर्थ डेट, या सॉरी जो बर्थ डेट तो 11 या 20 हो सकती है, बट 11, 20, 29, अगेन 2, 7 होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। फोर ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ वैंड्स, एट ऑफ वैंड्स, मैं क्या कहा था, कम्युनिकेशन रिसीव होने के चांसेस बहुत बहुत ज्यादा है। थ्री ऑफ कप्स, द हर्मिट, द एम्परर, टू ऑफ कप्स और नाइन ऑफ वैंड्स। बॉटम ऑफ डेक है द लवर्स, और मैं बहुत खुश। ओके, सो तो ये बॉटम ऑफ डेक की एनर्जी है, और ये है टू ऑफ कप्स, थ्री ऑफ कप्स। तो भाई कुर्सी की पट्टियाँ बांध लो, क्योंकि जो भी है आपकी सिचुएशन, मैंने कहा जिस तरह से मुझे जिस तरह से फील हो रहा है, माना कि ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, सबके साथ रेजोनेट हो ना हो, बट जिनके लिए है मैसेज वो स्पेसिफिक है कि लिटरली आपके ब्लॉकेजेस खुल सकते हैं, कम्युनिकेशन आ सकता है, और ख़ास करके रिकन्सिलेशन, भले वो छोटा हो या परमानेंट हो, लेकिन रिकन्सिलेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा, बहुत बहुत ज़्यादा लिटरली। और स्पेशली लाइक विद इन 8 days 8 hours में तो होगा ही होगा, लिटरली होगा ही होगा, क्योंकि जिस तरह से एनर्जी आई है ना कि उनका जो जस्टिस एंड जजमेंट है ना, ये जो बैलेंस की सिचुएशन नहीं थी, एक वो अन्याय था, मैंने कहा ना कि वो जो एक न्याय हुआ नहीं था, वो उसका डिसीजन यूनिवर्स की तरफ से होगा। उनको एक रियलाइजेशन एक होगा, आपके जो ना आपने जो मैनिफेस्ट किया था, आपने जो मांगा था यूनिवर्स से कि मुझे न्याय चाहिए, तो वो चीज़ आपके सामने आ ही जाएगी। जो एक रीडिंग किया था ना कि आपको न्याय कब मिलेगा, आपका कर्मा क्या, उनका कर्मा क्या होगा, मुझे काफ़ी हद तक लग रहा है कि ये पर्सन आपके सामने खड़ा होगा माफ़ी मांगने के लिए। और अगर इनकी जो ज़िद है ना कि भाई मैं हूँ, मैं माफ़ी कैसे मांग सकता, मैं गलती कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, बट मैं माफ़ी नहीं मांग सकता या मांग सकती, ये वाली चीज़ है ना, ये एटलीस्ट जेस्चर में होगी, लाइक उनके बिहेवियर में, उनकी बर्ताव में होगी, ये मुझे काफ़ी हद तक लग रहा है। इट्स नॉट अबाउट माफ़ी, इट्स अबाउट किक फीलिंग्स, जहाँ पे उनको एहसास है कि आपके साथ तो एक तो गलत किया है, आपका आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, आपके लिए आपका साथ नहीं दिया,
आपके साथ होना चाहिए था, तो वो अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट थे कि अपनी अपनी गोल हो, अपनी जो भी ख्वाहिशें हैं उसके ऊपर फोकस थे, कभी पैसे के बारे में हो या कभी नेम फेम के बारे में हो, उसी चीज़ के ऊपर फोकस थे। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स ने कुछ ऐसा तगड़ा तोड़ा है ना, कुछ ऐसे ट्रिगर झटके दिए हैं, इलेक्ट्रिक शॉक्स कि जिसकी वजह से दिमाग ठिकाने आया है, कुछ ऐसा नज़र आया है जो देखना नहीं चाहते थे, देख नहीं पा रहे थे। तो ऐसा लग रहा है कि आँखों के ऊपर से जो गॉगल हटा है, अभी चश्मा लगा है और दिख रहा है अभी क्लियर क्लियर, सुनहरा पिक्चर नहीं, क्लियर पिक्चर दिख रहा है। तो वो चीज़ मुझे काफ़ी हद तक लग रही है। तो आँखें अभी खुली की खुली रह गई है कि क्या है क्या नहीं है, सच्चा कौन अच्छा कौन, सच क्या है झूठ क्या है, हर चीज़ पता चल रही है। और अभी जो इनका हर्मिट मोड था, लाइक ना या तो अकेले रहना चाहते हैं, अकेले पड़ गए थे, उससे बाहर निकलना चाहते हैं, अभी आपसे मिलना चाहते हैं, खुश होना चाहते हैं। क्योंकि लाइफ में ना एक वक्त होता है जिसके बाद खुद से ही कोई अकेला रहना नहीं चाहता, उससे बाहर निकलना चाहता है। कोई भी एक फेज़ होता है ना, एक निगेटिव फेज़ या तकलीफ़ का फेज़, अकेलेपन का फेज़, उससे बाहर निकलने की एनर्जी, तो वो मुझे दिख रही है। अभी प्यार है ना इक्वल होने वाला है, मतलब अभी तक अभी पीछा पीछा करते थे, अभी उनकी तरफ से मूवमेंट शुरू होंगे। बस आपको एक बात करनी है कि अपने ऊपर काम करना है, इनर वर्क, अपना ऑरा चेंज करना है, वर्थ फील करनी है इस इंसान को कि हाँ ये जो भाग रहे ना आपके पीछे, वर्थ है, आप मैग्नेट हो और चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है, खींच रही है लिटरली। ये जो जिम्मेदारी से भाग रहे थे या जिम्मेदारी की वजह से आपके लिए स्टैंड नहीं लिया था ना, उस चीज़ में अभी हर चीज़ में बदलाव आया है। एक्सट्रीमली एक अट्रैक्शन भी है आपके लिए और एक अलग ही सोल हैप्पीनेस। मैंने कहा ना, सन आया है तो एक्शन होगा ही, और वह एक्शन रिलेटेड टू मिलना है, कम्युनिकेशन करना है, माफ़ी मांगना है, वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है। बहुत वेरी बहुत ज़्यादा खूबसूरत रीडिंग है, जहाँ पे चांसेस ऑफ दिस बहुत ज़्यादा, और आपको मैनिफेस्टेशन करना, लव वाइब्रेशन सेंड करना बहुत ज़रूरी है, और स्पेशली फॉरगिवनेस थेरेपी। फॉरगिवनेस थेरेपी में क्या है कि आपको फॉरगिव करना है, जो हुआ वो हुआ, सामने से बंदा आपके आपसे आके माफ़ी मांगने के चांसेस बहुत ज़्यादा, क्योंकि फॉरगिवनेस थेरेपी ये आपके लिए है, आपके लिए। और मेरा सबसे ज़्यादा इंटेंशन आप हो, कंसर्न आप हो, आपकी पॉजिटिविटी, आपका जो बोझा है ना दिल में कि ये मेरे साथ गलत हुआ है, तकलीफ़, माफ़, ये वो सब उससे हटाइए, आगे बढ़ना है, वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। देखते हैं इधर से क्या आता है। ओह गॉड, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी का डेक उल्टा है शायद। रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, वर्दीनेस, डिवाइन फेमिनिन और सेक्सुअलिटी एंड सेक्सुअल फ्रीडम। बॉटम डेक है द लव। सो आपके लिए फिजिकल अट्रैक्शन बेहद ज़्यादा। अभी इनका एक्चुअली ना मन करता है आपसे मिलने का, बात करने का, जो भी है उनको ये नहीं पता कि वो इनडायरेक्टली सही अपनी ही हीलिंग प्रोसेस को अट्रैक्ट कर रहे हैं। बेहद ज़्यादा लव फील करें आपके लिए, एक सच्चा प्यार, एक ऐसा कनेक्शन जहाँ पे सिर्फ प्यार हो, और वो टू ऑफ कप्स की लवर्स की एनर्जी में दिख रहा है। वर्दीनेस, तो अभी आपकी अहमियत बढ़ रही है, आपकी रिस्पेक्ट हो रही है, आपकी एक जो एक वैल्यू थी ना उनकी लाइफ में, वो अभी आपकी खूबसूरती वो अलग ही है उनकी नज़रों में, क्योंकि उनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये एनर्जी कुछ डिफरेंट है, कुछ ही डिफरेंट है, जो बस एक सोल से रिलेटेड है। ये अट्रैक्शन, ये हर चीज़, उनकी भी स्पिरिचुअल मैच्योरिटी बढ़ रही है, जिनको जिनकी वजह से उनको भी लग रहा है कि आपके साथ जो उनका कनेक्शन है कुछ तो अलग है, डिवाइनली गाइडेड है, और एक
सफ़र है जो आप लोग का अभी बहुत बड़ा तय करना है, खास करके मुझे कुछ लोग के इसमें सोलमेट बट कुछ लोग के इसमें ट्विन फ्लेम की वाइब दे रहा है। और बेसिकली आपके बीच में जो भी है कॉन्फ्लिक्ट है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, मनमुटाव है, हर चीज़ को वो निकालना चाहते हैं। बस हो गया, अभी अभी मिलने का वक्त है, अभी झगड़ा करने का नहीं। कूल योर इमोशंस, आपके मन में कोई भी गुस्सा है, तकलीफ है, सब चीज़ शांत कीजिए और फॉरगिवनेस थेरेपी प्लीज़ कीजिए। फुल मून इन एरीज, तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, आपके इमोशंस कंट्रोल कीजिए। भले आपको रोना आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, तकलीफ हो रही है, हर चीज़ को इमोशंस को कंट्रोल कीजिए, बैलेंस कीजिए एंड बी हम्बल। फर्स्ट क्वार्टर मून इन लियो, बी हम्बल। तो हम्बल का मतलब हमेशा आप गुरूर में है ऐसा नहीं है, बट ये जो यूनिवर्स की तरफ का या किसी की तरफ अप्रोच होता है ना कि भाई मेरे साथ ही गलत हो रहा है, तुम लोग मुझे ही सुनाते जा रहे हो, तो वो चीज़ को भी शांत कीजिए, बैलेंस आउट कीजिए। कोई आपका बुरा चाहने वाला नहीं है और नहीं चाहता है, बट इनफैक्ट आपका अच्छा ही चाहता है, इसके सामने आपके सामने कुछ अच्छा आ रहा है। तो जस्ट बी हम्बल, टेक हैव अ ग्रैटिट्यूड, से थैंक्स टू यूनिवर्स, क्योंकि यही चीज़ आपको कुछ खास दे रही है। तो ये थी रीडिंग, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। और हाँ, जो भी कितने कमेंट्स आ रहे हैं कि पेड कंसल्टेशन कैसे होंगी, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू।